राम राम भाइयों, आपने पिछले व्लॉग में देखा है भाई, हमने वो BS3 दिखाई थी और BS6 BS3 का कंपेयर दिखाया था भाई। हम आप तो वो नहीं दिखा पाए कि BS6 हमारा VIP नंबर था, जो उसके बारे में नहीं बता पाए, हमारा एक्सीडेंट हो गया भाई BS3 पर। आप देखा होंगे आज भाई पट गई थी या चलती, हाथ छूट गए थे हैंडल पे थे एक भाई ने, जो कर पीछे पाँव उठ गए उसके पिकअप की वजह से, उसने ड्राइवर को पकड़े खींच लिया और उसके हाथ छूट गए भाई। देख लो भाई, इस पर ज़्यादा लग रही है थोड़ी ही, हमने इसका इंश्योरेंस लेंगे ही। या हड घसी उछी आ रही है, यो डेंट फट गया या हेडलाइट फूट गई, फूटी तो नहीं है पर बाकी यो मुड़ गया इसका सारा, या टैंक पे स्क्रैच आ गई, यो पार्ट गया, अरे डेंट फट रहा भाई है भी, यो गियर लीवर भी मुस गया, इसका फुट रेस्ट भी मुस गया, इस पे भी थोड़ा स्क्रैच सा दिख नहीं रहा, इसमें थोड़ा इस पर आ रहा भाई स्क्रैच, इस वाले टापे का भाई वो लोक लिकड़ का पड़ गया, आप पे मेरा नहीं कित पड़े, हमने तो मेरा इना लग गया बस, बाकी ज़्यादा तो नहीं भाई, इस पर इतनी है चोट आई। इसका इंश्योरेंस वैल्यू, इसकी इंश्योरेंस वैल्यू क्या थी अरसू? इंश्योरेंस वैल्यू थी इसकी 90,000 रुपये। 90,000 रुपये की इंश्योरेंस वैल्यू भाई, फर्स्ट पार्टी करा रखा है ना हमने का, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है भाई, इसके इंश्योरेंस की बात हो रही है, एक दो दिन में आओगा हुआ है ना इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस में इसने कल क्लेम में खड़ी कराऊंगे, एक दो दिन बाद इसको वो इंश्योरेंस वाला आगे चेक करेगा, फिर देखें भाई क्या करेंगे अगले, करा देंगे नहीं ठीक करके देंगे साले, देख ले तू इसमें भाई, यो एक तो फुट रेस्ट भी गया, ये मैंने बता दिए सब को मुड़ गया ही का, यो देख ये टंकी देख के कुर मुड़ रही है, देख लो इब तो लगते ला रही इसके येलो व्हील भी चेंज कराए देंगे ना, चेंज कराने भाई हमने साले लगवाने हैं ना, सिंगल एस वाले, सिंगल मर्सिडीज वाले, आप बता दो भाई कौन से लगवाओ, कौन से बेस्ट रहेंगे, सिंगल एस वाले या मर्सिडीज वाले, पर इनके नो एलॉय व्हील का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगे, स्पेशल वीडियो गे रहेंगे इनकी, और इन कराऊंगे चेंज कराऊंगे इनने 4-5 साल चाल, ये इसमें लैग गार्ड की वजह से भाई इसमें ज्यादा लगी टैंकी पे, और इस पे अगर लैग गार्ड होता है टैंक और ये बच जाता है ना, यो हाँ सोती थोड़ी सुंदर लुक आ भाई लग गाड़ी की वजह से, खाली खाली लग गया है, या चोट भी मेरे लगी थी, वो पारस भाई है अपना एक छोटा भाई, उसकी वो पीछे बैठा था, मन थोड़ी रेस दी थे उसके पाँव उठ गया हुआ मैं, और उसकी वजह से मेरी टी शर्ट पकड़े खींची उसने, हाथ छूट गया हुआ हैंडल पे थे, बैलेंस पकड़ गया हम पट गए भाई, थोड़ा कच्चा रास्ता था, या पाँव में मेरा थोड़ी लग रही है सूजन आ रही है, इस पाँव में मांस फट गया भाई, अच्छी तरह देखा भाई अच्छी तरह, इस पाँव का मांस फट रहा है, ये लागी भाई एक ये लाग रही है पीछे लाग रही है, ये गोड्या गोड्या लाग रही भाई थोड़ी ही, ज्यादा तो नहीं पर मैं ठीक हूँ, पर बाकी भाई बाइक में ज्यादा नुकसान हो गया हमारी, मैं इसमें भाई तो एक्सपीरियंस बता तू पड़ गया एक्सपीरियंस के रहा भाई, एक तो बुलट बंद नहीं होती सब तो ठाडा फैक्ट है भाई, मैंने उठ के नया खटके तो बंद करी है अपनी बाइक, और पाँ तोड़ने का इसका पुराना नुस्खा वो तो मेरा मांस पाट करेगा, पाँ का ना टूटता जरूर, तो भाई अपना लेग गार्ड लगवाऊंगे इसमें, ठीक है ना, बढ़िया लेग गार्ड लगवा लेंगे, लेग गार्ड लगवा के लेना है इसकी बार, बढ़िया वाला कंपनी का लेग गार्ड अलॉय व्हीलर भाई, इसका पूरा इंश्योरेंस लेंगे भाई, आप तो सब कम इंश्योरेंस लेते हो, डी नहीं हो पाओगे जब भी वीडियो मैं वो लोग बनाऊंगे भाई, इसके अलॉय व्हील का भी लेग गार्ड का सब का भाई, ठीक है आराम से चला रहे हो भाई, एक एक वो लोग वो भी बनाना है कि रैंपिंग कराऊंगे सारी शाइनिंग वाली स्क्रैचलेस रैंपिंग कराऊंगे, डेकोरेशन खर को दे एक नंबर की कराए भाई, गति स्क्रैचलेस रैंपिंग बिल्कुल, ठीक है भाई धन्यवाद, अगले इस व्लॉग में बस इतना ही था अपना, थोड़ा एक्सपीरियंस बताया बुलेट के मामले में, आराम से चला रहे हो, 50-60 चलाने की मोटरसाइकिल है, उससे फालतू तेज मत बजाओ भाई, इसने धन्यवाद भाई। भाइयों हमने आप तो अपना सारा एक्सपीरियंस दे दिया इसके बारे में, बाइक ने भाई आराम से चलाया करो, बुलट हो चाहे कोई सी बाइक हो भाई, बुलट तो कभी पाँ तोड़ मोटरसाइकिल है नाया बाजत है, पर रुकती को ना भाई, इसने आराम से चलाया करो 50-60 की स्पीड में, आप तो एक निवेदन है भाई वीडियो ने लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो, और कमेंट सेक्शन में भाई जरूर नू बता दियो कि हमने कौन से अलॉय व्हील लगवाने चाहिए अपनी BS3 में, जब आप अपना क्लेम व्लेम ले लेंगे सारा, उसके बाद भाई इसकी मॉडिफिकेशन दोबारा कराऊंगे भाई, तो धन्यवाद, हमारे चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।